Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग जो गेम खेलने जा रहे हैं, इस गेम के लिए मुझे लास्ट 4 महीने से कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आइस क्रीम गेम खेलो. और मुझे लग रहा था ये कोई एडवेंचर या फिर कोई फनी गेम होगा, बट ये एक हॉरर गेम है और इस गेम का नाम आइसक्रीम नहीं आइसक्रीम है. ओके गाइस, तो फटाफट से हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर कितना ज्यादा हॉरर है ये गेम. तो ओके गाइस, अभी फिलहाल हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है. हे, टेक अ लुक अराउंड बाय स्लाइडिंग अ फिंगर ऑन द स्क्रीन. ओके, तो सबसे पहले मुझे थोड़ा इधर उधर देख रहा हूँ, शायद से भी मैं अपने रूम में हूँ. नाउ लुक एट द विंडो एंड प्रेस द इंटरैक्ट बटन. ओके, विंडो, ओ ये रही विंडो, तो मुझे यहाँ पर इंटरैक्ट करना है इसे खोलने के लिए. शायद से फिलहाल सामने ही है वो आइसक्रीम वाला. वैसे गेम का नाम आइस क्रीम था, बट यहाँ पर एक रियल आइसक्रीम वाला है. बट ये मुझे कुछ थोड़ा डेंजरस सा लग रहा है और इस गेम का हॉरर विलन शायद यही है. भाई वो छोटा बच्चा उसे आइसक्रीम लेने गया और उसने अपने कोई मुंह से धुआं निकाल के उसे फ्रीज कर दिया और शायद उसने मुझे भी देख लिया है और कुछ खतरनाक नजरों से तो देखा था, बट उसने उस छोटे बच्चे को उठा के अपनी वैन में भी डाल लिया है. भाई ये आइसक्रीम के बहाने बच्चों को किडनैप करता शायद से. दैट बॉय नीड्स योर हेल्प, फाइंड अ रोप इन द ड्रॉर्स टू गेट डाउन टू द स्ट्रीट. ओके, तो अभी हमें यहाँ से नीचे जाने के लिए एक रोप ढूंढना है जो कि शायद विंडो में जो नेल लगा हुआ है इसके अंदर लगने वाला है. फिलहाल यहाँ पर मेरे ड्रॉअर में तो कुछ नहीं है और ये सामने भाई ये लग रहा है ड्रैगन बॉल फैन है. पता नहीं वो ड्रैगन बॉल का ही टॉय है या फिर किसका. यहाँ पर एक डोर लॉक कर रखा है. वाओ, शायद से इस बच्चे के पेरेंट्स ने, मीन्स मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने ही रूम में बंद कर. ओ वाओ, रॉप मेरे को यहाँ से मिल गई है. एक बारी और ड्रॉर्स चेक कर लेता हूँ, क्या पता कुछ और इम्पॉर्टेंट सामान हो. वैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं है फिलहाल. अभी मेरे को ये रॉप की जरूरत है. इस रॉप पे शायद से मुझे लटक के नीचे जाना है उस बच्चे को बचाने के लिए. भाई चलो नीचे, मुझे तो डर लग रहा था उसने मुझे देख लिया. अब अगला नंबर मेरा ही ना हो. मुझे सबसे पहले बी केयरफुल, यू शुड नॉट टू बी सीन और यू विल गेट इन टू द ट्रबल. ओके ओके ओके, शायद सबसे पहले मुझे इसके अंदर छुपना है और मैं छुप चुका हूँ. वो आइसक्रीम वाल भाई बड़ा ही गंदा सा बंदा लग रहा है यार. इसके मूवमेंट से कुछ गिरा लेकिन इसकी पॉकेट से. ये शायद हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्ल्यू या फिर किसी इम्पोर्टेंट इंटेल से बढ़कर है. अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं. नाउ प्रेस द बटन टू एग्जिट द हाइडिंग प्लेस. ओके, अभी मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ. मुझे शायद से ना उसको उठाना है जहाँ तक मुझे लग रहा है. फटाफट से इसको उठाता हूँ. शायद से वो आइसक्रीम डिलीवर करने चला गया अभी कहीं. तो नहीं, वो यहीं पर है, वो यहीं पर है. मुझे उसकी आवाज़ आ रही है. गो टू द वैन एंड प्लेस द मैप ऑन द वॉल. अभी मुझे वैन के अंदर जाना है. मैं गधा हूँ, मैं खुद ही किडनैप होने जा रहा हूँ उसके ट्रैप में. बट अभी अगर ऐसा आ रहा है तो मुझे करना पड़ेगा. ओ, मेरे को शायद देख लिया उसने, शायद से देख लिया. हंस तो रहा है बट मेरे को कहीं वो न. ओ भाई, वो भाग कर आ रहा है मेरे को पकड़ने. भाई भाई भाई, एक सेकेंड, डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा दिमाग से काम लेंगे तो सब हो जाएगा. मैं काम करता हूँ, मैं उसी ये डॉग हाउस में जाके छुप जाता हूँ. मेरे हिसाब से यहाँ पर ये मुझे देख नहीं पाएगा, थोड़ी देर यहीं छुपे रहता हूँ. भाई ये थोड़ा डेंजरस बंदा है यार. मेरे को एकदम सही टाइम पर आकर वैन के अंदर जाके मैप लगाना है. फिर उसके बाद वो यहीं आ चुका है. उसको पता कैसे चला मैं यहाँ पे हूँ? बट उसने भी मेरे को भाई मैं पीछे पीछे देख भी नहीं पा रहा हूँ. मैं देखना चाहता हूँ बट देखूंगा तो वो धप्पा कर देगा गंदे वाला. ओके गाइस, शायद से अभी ये गुनगुना चुका है और अभी ये वापस जा रहा है यहाँ से. मैं चुपचाप से बाहर निकलता हूँ और मैंने एकदम क्राउच होके स्नीक करता हुआ इस वैन के अंदर जाके घुस जाऊंगा. फिलहाल इसको पहले ना यहाँ से थोड़ा बहुत दूर चले जाने देते. प्लीज चले जा ब्रो नहीं है भाई, देख लिया. नहीं मैं नहीं निकल रहा बाहर. मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे, मैं घर में चला गया वापस. तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ से मैं दोबारा बाहर आ चुका हूँ. मुझे एकदम सही मौके को ढूंढना है और मौके पे चौका लगाना है फटाफट से. फिलहाल अभी ना वो घूम के शायद दूसरी साइड जा चुका है. यही एकदम परफेक्ट टाइम है इस वैन के अंदर घुसने के लिए. मैं इसके डोर, ओके इसके डोर मैं बंद कर सकता हूँ और मुझे यहाँ, भाई गाना मत गा, मुझे बहुत डर लग रहा है इससे कसम से. मुझे यहाँ पर इसको लगाना है. ग्रेट, नाउ दैट यू नो द रूट यू कैन चूज द नेक्स्ट स्टॉप. मैं इस वैन को चला सकता हूँ इस मैप के थ्रू शायद से. ओके, इस पे भी हम लोग ट्राई करते हैं.
और यहाँ पर अपने पास जाने के लिए स्टॉल, कैफेटेरिया, पार्किंग, प्लेग्राउंड और जिस जगह पर अभी हम लोग आए इस जगह का नाम है नेबरहुड, वो वही वैन खोलना दे, मैं पकड़ा चाहूंगा। एक काम करते हैं, ऊपर से होते हुए आते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टॉल पे ताकि हमें कुछ समझ तो आए। और ये हम वैन चला कौन रहा है भाई, यहाँ पर शायद ड्राइवर बैठा होगा, ऐसा हो सकता है। अभी हमने बस वहाँ पर लगाया और अभी हम लोग, रात हो गई, अच्छा शाम का टाइम हो रहा था, पहुँचते पहुँचते शायद रात हो चुकी है। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी थोड़ा बहुत तो डेंजरस होता जा रहा है माहौल, अच्छा खासा शाम का टाइम था। अभी थोड़ा सा, ओ ये देखो, उसने इसको पकड़ के इसके अंदर रखा था और हमें भी इसी को, मेन इस बच्चे को यहाँ से छुड़ाना है ना। हाँ, ये सब हम लोग यहाँ पर इधर उधर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें उस बच्चे को छुड़ाना है। यू नीड अ की टू फ्री द चाइल्ड, रोड मस्ट कीप अ स्पेयर वन समवेयर। ओके ठीक है, तो उसने कहीं पर तो इसको छुड़ाने के लिए की या फिर कोई टूल रखा है जिससे ये खुलेगा, अदरवाइज इसको खोलना बहुत मुश्किल है। बच्चे को बच्चा ही बंद करने के लिए ऐसे लग रहा है मशीन है। बाहर कोई तो डॉग है या कोई बंदा बहुत बुरी तरह खर्राटे मार रहा है, कौन है भाई? ओ ये यहाँ कैसे पहुंच गया भाई, ये टेलीपोर्ट हो रहा है क्या? अरे भाई भाई मैं क्या करने आऊँ फिर यहाँ पे? ओके 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 भाई, यहाँ पर कुछ तो गलत मामला है, ऐसे यहाँ कुछ पड़ा हुआ है, पेट्रोल कैन। इस पेट्रोल कैन को ले लेता हूँ, पता नहीं ये कहाँ पर यूज होने वाला है। शायद गाइस इसमें ना हमें अलग अलग जगह पर जाके सामान ढूंढना है, उससे हमें कुछ ना कुछ तो करना है इस बच्चे को छुड़ाने के लिए। चार पांच अलग अलग जगह है, फिलहाल मैं दूसरी, पहले ना सारी जगह एक बारी में घूम के आ जाता हूँ ताकि मुझे आइडिया लग जाए। फिलहाल यहाँ पर एक रूम है जिस रूम में सामान तो रखा हुआ है काफ़ी सारा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा काम का होगा क्योंकि इस गेम में, इन सब गेम में इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है। और वो गुनगुनाता हुआ यहाँ तक पहुँच चुका है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए भाई। ये शटर खुल जाएगा ना? हाँ ये शटर खुल जाना चाहिए। ओके दिस ब्लाइंड कैन बी ओपन फ्रॉम हेयर। ओके ये ओपन नहीं हो पाएगा, और तो कुछ है भी नहीं ना यहाँ पे, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। ये शायद अपने छुपने के लिए है, और दूसरी जगह तो यहाँ पर ये शटर से गाड़ी नहीं, यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। इसको भी हम लोग बंद करते हैं, इसको मैं गैस कैन को यहाँ पर रख देता हूँ। ड्रॉप हो जा प्लीज़ ब्रो, ड्रॉप किससे होगा? ओके अभी मैंने इसे ड्रॉप कर दिया है। अभी हम लोग चलते हैं दूसरी जगह पर ताकि हमें पता चले कि आखिर अलग अलग जगह पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सेकेंड लोकेशन है अपनी ये प्लेग्राउंड। ओ मैं लोकेशन चेक कर रहा था और इतने ही देर में ये पता नहीं कहां से टपक गया, मतलब कि अगर हम लोग वैन में बैठ रहे हैं तो उससे कोई ना कोई साउंड जाता है जिससे कि इसे हमारे ऊपर शक हो जाता है। फिलहाल अभी इसने मेरे को किसी रूम में लाकर बंद कर दिया है, वो भी एक फ्रिज के अंदर। ओके तो ये वही वाला रूम था जो हम लोग पहले बाहर से देख रहे थे। ये शटर खुल नहीं रहा था और ये अभी भी नहीं खुल रहा है, इसका एक्सेस शायद से इसके पास ही है, बट अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर फ्रिज है, क्या पता इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट आइटम नहीं है इसके अंदर कुछ भी। फिलहाल यहाँ पर एक और ये छोटा सा केज पड़ा हुआ है और इसके अंदर भी कुछ नहीं है शायद से भाई, ये बच्चों को पकड़ने के लिए इसने ये सब रखा हुआ है। और ये यहाँ पर पहुँचा कैसे इस जगह पर, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पर ओ उस ड्रॉर के अंदर कुछ था, उस ड्रॉर के अंदर ये एक टेप है शायद से, इस टेप को हम लोग उठाते हैं, बट ये अभी कहीं लगने वाला है इस टेप से। शीशे पे चिपका के खींच लो, क्या पता ज़्यादा मजबूत टेप हो, पता नहीं यार किस काम की है। इसको ड्रॉप करके मैं थोड़ा साउंड करूँ, क्या पता उसको आवाज़ आए। और वो फिर यहाँ पर नहीं आया, उसे कोई साउंड से मतलब ही नहीं है। फिलहाल यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ड्रॉर्स हैं बट इससे कुछ नहीं होने वाला, सारे खाली पड़े हैं। ये लॉक्ड है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट आइटम है। फिलहाल यहाँ पर पीछे एक और चीज़ है, इट्स लॉक्ड। और ये केबल्स हैं, दीस केबल्स शुड बी जॉइंट टू द डोर। ये केबल जोड़ने पे ये वाला जो गेट है ओपन हो जाएगा और शायद टेप के थ्रू वो जुड़ जाएगी ना। हाँ मेरे हिसाब से ये इलेक्ट्रिक टेप है, यहाँ पर हम लोग इसे लगा, ओ जुड़ गई और गेट भी ओपन हो चुका है। बट वो बंदा यहाँ क्या कर रहा है भाई? एक सेकेंड, वो बंद हो भाई फ्रिज बंद। अरे यार वो यहाँ क्या कर रहा था? नहीं प्लीज, अरे भाई मैं यहाँ से बाहर निकल चुका था भाई साहब। ये आइसक्रीम वाले अंकल तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, दोबारा से उसने मुझे फ्रिज में लाके लॉक कर दिया है। फटाफट से मैं सबसे पहले तो वाला फ्रिज का जो गेट है इसे ओपन करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने वायर जोड़ी थी, शायद उसने दोबारा से वायर तोड़ दी होगी, अभी तो वायर भी जुड़ी हुई है और ये वाला जो गेट है खुल भी नहीं रहा है, तो मैं बाहर कहाँ से निकलूंगा यार? एक सेकेंड, यहाँ पर और कुछ, ओ ये शायद पहले यहाँ पर नहीं था जहाँ तक मुझे याद है। ओके रग्बी बॉल, रग्बी है पता नहीं क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, जो भी है मुझे काम की चीज़ मिली है। ओके गाइस अभी ना फिलहाल शायद से सोकर उठ चुका है और ये वापस यहाँ से जा रहा है, जैसे ही यहाँ से चले जाएगा ना उसके बाद मैं ये वाला गेट खोलूँगा ताकि मैं चुपचाप से यहाँ से बाहर निकल पाऊँ।
जा चुका है ना वो, अभी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात है। 3, 2, 1 लेट्स गो। ये मैंने तोड़ा शीशा, इस बोल को मैं दोबारा उठा लेता हूँ, इसके मुंह पे फेंक के मार के देखता हूँ क्या होने वाला। अरे भाई ये क्या बंदा है, 0 chance left। मैं तीसरी बार इस जगह पर फंस चुका हूँ भाई। मैं जैसे निकलने की कोशिश करता हूँ ये मुझे आके पकड़ लेता है, और अभी इस बार तो इसने यहाँ पर नेल्स लगा दिए हैं इन विंडो पे। अभी मुझे क्या करना होगा भाई, एक मिनट, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो काम का सामान होगा। मेरे को ढूंढना पड़ेगा ये नेल्स निकालने के लिए मुझे, मैं बोल नहीं जा रहा था, नेल्स निकालने के लिए मुझे क्रोबार चाहिए होगा। तो जितनी बार जो भी नई चीज़ आती है उसको खोलने के लिए भी कुछ ना कुछ होता है, तो भी मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। और अगर इस बार ही कोई गड़बड़ हुई ना, मैं कसम से इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये बोल उठा के ना एक बार पहले मैं इसके मुंह पे मार के चाक, इधर आ तेरी ऐसी की तैसी, ले तेरी भैंस। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, क्रोबार दे। ओ भाई भाई भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगा अभी का, वो वैन में आके बैठ जाएगा फटाफट से। ये बोल मैं दोबारा से उठाता हूँ, इसके मुंह पे मारूंगा अब की बारी। भैंस की टांग तो मेरे से भिड़े निकल। ये क्या हरकतें कर रहा है भाई, भाई इसके मैं सामान फेंक के मार रहा हूँ, लिटरली पूरी बॉल मुंह पे फेंक के मार दी। पूरा बैठ के हरकतें करके दिखा रहा है मेरे को, वैन बंद करो। ओ भाई वो पास में, इसलिए हम लोग कुछ यूज नहीं कर सकते। मैं अपनी वैन में और कहीं नहीं छुप सकता यार, छोटे बच्चे तेरे चक्कर में, मोटू आइसक्रीम के भूखे तेरे चक्कर में मैं फंसा हूँ इतनी बुरी तरह। अभी मैं निकल लूँ यहाँ से, ओके अभी मैं निकल सकता हूँ। हम लोग सीधा प्ले ग्राउंड में चलते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई ये सब जगह कैसी है। तो ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ सीधा प्ले ग्राउंड में अपनी वैन लेकर, और अभी मुझे दोबारा से भाई वो यहाँ पर भी पहुंच गया। ये क्या बंदा है, या तो ये अलग अलग बंदे हैं हर जगह पे, या फिर ये वही बंदा है जहां पर भी हम पहुंच जाते हैं टेलीपोर्ट होके पहुंच जाता है, या फिर कैसे तो ये यहाँ पर पहुंच जाता है। फिलहाल यहाँ पर एक टनल है, इस तरफ में काफी सारी मशीन्स लगी हुई है। यार लाओ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पिलाओ मेरे को जरा सी। ओके कुछ आया नहीं, कुछ भी नहीं आया इसके लिए मुझे इनके अंदर। ओके यू नीड सम कॉइंस फॉर यू, ओके ओके ठीक है, कॉइंस चाहिए होंगे मुझे लग ही रहा था। फिलहाल यहाँ पर एक टनल है, शायद यही अपना सबसे बढ़िया इंटेल है अभी के लिए। इस टनल से अगर हम लोग कहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं बढ़िया जगह है टनल। हाँ सामने कुछ दिखा, ओपन एरिया दिखा जहाँ पर ये टनल निकलेगी। दिस गेट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू विल नीड टू, मैं समझ गया ग्रीस भाई, इसके अंदर अभी हमें वही ऑयल टाइप कुछ डालना पड़ेगा। हमने लास्ट टाइम एक और गेम में डाला था, कौन सी गेम थी मैं भूल गया, बट जो भी हो हाँ वही अपनी मेंटल वन। भाई अब तो नहीं बचने वाला मैं, अरे यार वापस चले जा, वापस चले जा, कोई बच्चा नहीं था तेरा वहम था, वो ये गेट भी नहीं खुलने वाला। नहीं यार भाई साहब आ रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता। आ जा तेरी ऐसी की तैसी, आ जा आ जा, चले मार ले, जमा देता है यार ये। अभी तो ये मुझे कहीं पर लेकर आ चुका है, अपनी वैन में भर कर मुझे लाया है ये, और ये कुछ डेंजरस सी जगह है, रोडसलिवियन। भाई ये कैसी सी डेंजरस सी जगह है, ये जगह डेंजरस नहीं है, ये इसी बंदे की फैक्ट्री है, और काफी ज्यादा खतरनाक सी बना रखी है इसने। और यहाँ पर हमें शायद मारने के लिए नहीं लाया, इसने हमें उसी फ्रिज के अंदर बंद कर दिया है, बट इस बार इसने फ्रिज को पूरा ऑन करके उसका टेम्परेचर एकदम लो कर दिया और जम के डेथ। ओके गाइस दोबारा से एक बारी शुरू से, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिलहाल इस बारी मुझे वो गलतियां नहीं करनी है जो कि मैंने लास्ट टाइम करी थी। अभी फिलहाल ये विंडो मैंने दोबारा से ओपन कर दिया है, ये मोटू बच्चा आइसक्रीम लेने के लिए जा रहा है। अभी आइसक्रीम वाला भुक्कड़ आदमी इसे उठाकर अपनी गाड़ी में डाल लेगा और किडनैप कर लेगा, और इसको बचाने के चक्कर में मैं भी फंसता जाऊंगा। भाई कसम से डेंजरस तो है यार, ओ भाई पूरा स्टैचू बना लेता है 2 मिनट में। फिलहाल अभी हम लोग इसको स्किप करते हैं, अब जल्दी से सबसे पहले हमें एक रॉप ढूंढना है, ठीक है। मुझे लास्ट टाइम किस ड्रॉअर में मिला था उसी में ढूंढता हूँ, क्या पता इस बार भी मिल जाए, बट नहीं मिला। ओके यहाँ पर मुझे रॉप मिल चुका है, फटाफट से हम लोग इसको यहाँ पर लगाते हैं। इस विंडो से उतर कर हम लोग चलते हैं नीचे उसकी वैन में बैठने के लिए, सब कुछ मैं एकदम जल्दी जल्दी करने वाला हूँ। यहाँ पर ये गिरा हुआ है उसका वो खतरनाक सा मैप, और अभी अंकल जी यहाँ पर नहीं है, ये गेट खोलो अंदर बैठो, अंकल जी आ गए, बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ निकल लेता हूँ। भाई वो पहुँच गया था बट मैंने कैफेटेरिया पे क्लिक कर दिया, कसम से वैन का गेट आप लोग देख रहे होंगे भाई खुल चुका था, और ये कैफेटेरिया कैसी जगह मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। भाई देखते हैं अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, वो बच्चा भी अभी यहीं पर बैठा हुआ है। इस बारी में तो कुछ छुड़ाऊंगा, छोड़ो तू टेंशन मत कर, मुझे मालूम है ये आइसक्रीम वाले अंकल बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आज इसको मैं आइसक्रीम के फ्रीजर में डाल के जमा डालूंगा पूरा,
फिलहाल यहाँ पर एक गेट है, वो वाले गेट पे तो लॉक लगा हुआ है, ये वाला गेट यू कैंट एक्सेस फ्रॉम दिस साइड। ओके ये गेट भी कुछ भी, वो वहां से यार ये हर जगह पहुंच जाता है जैसे हम लोग पहुंचते हैं। फिलहाल उसने हमें देखा था बट अभी वो भूल चुका है। ओके फाइन, नहीं दोबारा से कुछ डेंजरस साउंड बजता हुआ। थोड़ा बहुत सोच समझ के संभाल के मुझे यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं वो बंदा सच्ची में बहुत ज्यादा, तू इधर आजा, तेरी ऐसे की तस्वीर कुत्ते पे जो रैप्टे बजाऊंगा ना, आजा, तू मेरे से ज्यादा फास्ट नहीं है, इसका मैं फायदा उठा सकता हूँ क्योंकि जो मेरी स्पीड है वो इससे कई ज्यादा फास्ट है। फिलहाल अभी मैं जहाँ पर जा रहा हूँ मुझे ये नहीं मालूम वो जगह है कहाँ पर। ओके अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ, इस तरफ में एक विंडो टूटी हुई है, शायद मुझे यहाँ से अंदर जाना होगा और यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। इस तरफ में एक ये ओके, तो ये कैफेटेरिया का किचन है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ काम का सामान मेरे हिसाब से होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर गैस स्टॉक है, इधर तो मुझे कुछ भी काम, ओ ड्रॉर ये खुला ना, हाँ ड्रॉर के अंदर, बट कुछ वो आ रहा है कहीं से तो आ रहा है, वो उसकी आवाज आ रही है बस मेरे को। ओके कार्ड रीडर, यू कुड यूज एन आईडी कार्ड टू अनलॉक द एक्सेस। ओके मैं इसको अनलॉक भी नहीं कर सकता हूँ गेट को। यहाँ पर एक ड्रेस है, द नेक्स्ट टाइम विल बी पॉल। ओ कुछ तो इससे लेना देना है, मेरे हिसाब से जिसकी यहाँ पर ड्यूटी लगेगी वही इसको खोल पाएगा, मीन्स उसको इस जगह का कार्ड मिलेगा, ऐसा कुछ शायद से ऐसा हो सकता है, तभी हमें बताया जा रहा है कि पोल की ड्यूटी लग रही है नेक्स्ट, ऐसा हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर एक सेकंड, पहले छुप जाता हूँ भी मुझे इस, अरे फेंक क्यों दिया मैंने, अब मैं गया, मेरे को पहले छुप जाता हूँ। हाँ तो गाइस ये जो भी मेरे को ऑयल मिला है ना, ये उस जगह पर लग जाएगा जहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम फंसे थे। हम लोग इस ऑयल को वहां पर लगा कर शायद उस जगह के और अंदर जा सकते हैं। भाई लिटरली ये यहाँ तक पहुंच गया था, जान दो इसको पहले जाने दो, क्योंकि अगर ये आइसक्रीम वाले अंकल यहाँ पर रहेंगे ना तो अपनी बैंड बजने वाली है बहुत गंदी। ओके शायद वो यहाँ से जा चुका है और अभी मुझे यहाँ से बाहर निकल लेना चाहिए। ओके मैं यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ, मुझे ये पोल का आईडी कार्ड ढूंढना है कहीं ना कहीं से, तो मेरे हिसाब से वो मिल जाएगा। फिलहाल ये डस्टबिन पे भी क्लिक करने का आ रहा था, क्या पता हाँ डस्टबिन में गिर रखा हो, वैसे आईडी कार्ड है यार ऐसे इधर उधर गिर थोड़ी जाएगा। यू डोंट हैव फाउंड नथिंग। ओके कुछ भी हमें काम का नहीं मिला यहाँ से, इधर बंद करो। अभी बंद किससे होगा भाई, मैं यार अलग अलग बटन दबाए तो नर्वस। ओके वो आ चुका, कैसे? ओके गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट, और ये बंदा शायद से हमें इसने वापस से उसी लॉकर में लाकर बंद कर दिया। ठीक है अभी मुझे इतना मालूम पड़ चुका है कि हमें इसकी नजरों में मतलब 1% भी नहीं आना है, वरना ये छोड़ेगा नहीं, मतलब हल्का फुल्का आ जाओ बट तब जब तुम वहां से भाग सको, छुपोगे तो ये पकड़ लेगा भाई। फिलहाल अभी मुझे यहाँ पर वायर जोड़नी है, टेप मुझे लास्ट टाइम इसके अंदर मिल गया था, अभी फटाफट से मैं दोबारा से यहाँ से सबसे पहले तो टेप निकालता हूँ। इस टेप को हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, ये वाला शटर खुलने वाला है, मुझे यहाँ से वाली बॉल, अच्छा वाली बॉल अभी नहीं है तो बॉल, वरना मैं इसको मार के यहाँ से निकल सकता था। गैस का भाई मुझे यहाँ से गैस कैन भी लेना है, इसका भी आगे कहीं ना कहीं यूज होगा मेरे हिसाब से। ये गैस कैन मैं पिक करता हूँ, और अभी अंकल आप नहीं गए हो मुझे मालूम है, एक काम करो अंकल बावड़ी पूछ तुम इधर आओ, ये मैंने करा ड्रॉप, ये मैंने उठाया वापस, अभी इसके साउंड से वो इसे यहाँ पर ढूंढने आएगा। मैं फटाफट से अपनी वैन में बैठ कर यहाँ से निकल लेता हूँ, लेट्स गो, मुझे कोई साउंड नहीं क्रिएट करना है। अब फटाफट से गाइस हम लोग निकलते हैं प्ले ग्राउंड के लिए। ओ नहीं मेरे को यार पहले वापस कैफेटेरिया जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मुझे मेरे को ऑयल मिला था ना, वो शायद अभी भी वहीं ड्रॉप हो गया होगा ना, सीधी सी बात है क्योंकि इसने मेरे को वहीं मार दिया था। मुझे वो ऑयल ढूंढना है सबसे पहले, क्योंकि वो ऑयल ही आगे काम आने वाला है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। फिलहाल वो यहीं कहीं से तो आता है शुरुआत में, ये वाला गेट भी ओके वो अंदर है, ठीक है आन दो, वो यहाँ से आएगा, मैं इस विंडो के थ्रू अंदर जाऊँगा, पूरा बाहर आ जा तेरी भैंस की, यहाँ से जाऊँगा वो तुरंत गेट से घुस जाएगा ना, आ जा बुड्ढे, देखो टापना तो आता नहीं है मुझे अच्छे से मालूम है, वैसे नहीं ये कुछ भी कर सकता है भाई, मुझे नहीं अच्छे से मालूम क्योंकि इसकी पावर का। हेलो पहले छुपो एक मिनट, ऑयल वाली बोतल खांगी यार यहाँ से, मैं लास्ट टाइम उसने मेरे को यहीं पर पकड़ा था यार, ये गलत है यार, ऑयल वाली बोतल ऐसे छुपा दी होगी कैसने, मैं चुपचाप ना बैठ के चलूंगा ना तो मेरे हिसाब से मुझे इतना दिक्कत नहीं आएगा, मैं पूरे में फैलता हुआ जा रहा हूँ ना जिस वजह से मेरे को हर बारी देख ले रहा है। फिलहाल यहाँ पर ये ड्रॉर मैं ओपन करता हूँ, इसके अंदर भी ऑयल मेरे को नहीं नजर आया, यार ऑयल कहाँ चला गया, मैं उसे कहाँ पर जाकर ढूंढूंगा यार, मेरे को इतनी ज़्यादा इजीली वो मिल गया था बट अभी वो मेरे को नहीं मिल रहा है।
कहाँ ढूंढूँ मैं उस ऑयल को, प्लीज़ यार मिल जाए तो मेरे सम, क्योंकि उससे मेरे को एक क्ल्यू मिला था आगे गेम बढ़ाने का। मैं उस प्लेग्राउंड में जाता, वहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ तो नया देखने को मिलता, क्योंकि वो जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, गेट भी नहीं ओपन होने वाला है। यार एक काम करता हूँ, मैंने इसे रीस्टार्ट करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता ऑयल यहाँ होगा। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने अपनी गेम को रीस्टार्ट कर लिया है और यहाँ पर आकर मैंने इस मैप को उठा लिया है, वैन को खोला, वैन का गेट बंद करा, यहाँ पर लगाया मैप, मैप के बाद मैं चला गया सीधा कैफेटेरिया पे। और अब हम लोग चलकर देखते हैं आखिरकार इस बार ड्यूटी किसकी है और हमें इस बारी वहाँ पर वो ऑयल मिलता है या फिर नहीं। ओके गाइस लेट्स गो। तो अभी फिलहाल हम लोग अपनी वैन लेकर पहुंच चुके हैं कैफेटेरिया और मेरे को ना ध्यान रखना है कि अगर वो मॉन्स्टर मेरे को देख लेता है तो मुझे छुपना नहीं है, क्योंकि अगर मैं छुपूंगा और मैं 100% फिर श्योर नहीं होता कि वो मुझे पकड़ पाएगा या फिर नहीं पकड़ पाएगा। अगर वो मुझे देखता है तो मुझे ना उससे भाग के बचना है ना कि छुप के, जैसे अभी उसने मेरे को देखा है तो बस मैं यहाँ से भी भागने वाला हूँ। पहले इसको ले आता हूँ, इधर आओ इधर आ तेरी ऐसी की तैसी। वैसे ये इतना ज़्यादा स्लो चल रहा है तो सीधी सी बात है भाग के तो अपनी ज़िंदगी में मेरे को नहीं पकड़ सकता, निकल यहाँ से। अभी मैं क्या इससे गंदे मजे ले रहा हूँ, आ जा आ जा आ जा। वैसे इतना स्लो चल रहा है, गेट और बंद कर देता हूँ इसकी, वैसे हिकड़ी बाहर आ जाएगी। ये वाला गेट भी हम लोग बंद करते हैं एंड अभी मुझे सबसे पहले ऑयल ढूंढना है। ऑयल मिला तो अपना काम हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पर ऑयल नहीं है, बैड लक। लास्ट टाइम मेरे को ऑयल यहाँ मिल गया था, इस बारी जो टर्न है वो ब्रैड की है। ऑयल मेरे को यहाँ ड्रॉअर में होगा शायद। ओके तो ऑयल मेरे को मिल चुका है, अभी हम लोग ना क्राउच करके रखते हैं ताकि वो ना आए। मेरे को दो चीज़ें याद रखनी है कि इस बार जो टर्न है वो ब्रैड की है, ऑयल मेरे को मिल चुका है, सीधे जाना है प्ले ग्राउंड। और थोड़ा आवाज़ आई उसकी, वो शायद भाग के आ रहा है। ओके नथिंग, कुछ नहीं मिला मेरे को इसके अंदर से। यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं, बाहर और भी काफ़ी सारे डस्टबिन पड़े हुए हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढ के देखते हैं क्या पता मिल जाए। वैसे यार यहाँ पर ना ये चीज़ है, लास्ट टाइम कैश रजिस्टर, यू डोंट हैव द कोड टू ओपन। ओके तो इसे ओपन करने के लिए मुझे कोई कोड डालना पड़ेगा, ये भी हम लोग ओपन करके। यार इतना चाहता है स्लो मत खुल, और अगर स्लो खुल भी रहा तो ये इतना डेंजरस साउंड ना बजे पीछे एटलीस्ट। ओके इसके अंदर भी मुझे कुछ नहीं मिला, सामने की तरफ में एक डस्टबिन और है, सामने ये घूम रहा है आइसक्रीम अंकल। देख लिया देख लिया देख लिया, आ जा आ जा आ जा बुढ़े पागल, तेरी ऐसी तैसी करता हूँ मैं। अभी एक मिनट रुक जा, ले गेट ही बंद कर दिया मैंने, अभी ये खोल के यहाँ से निकलेगा और मैं वहाँ से अंदर घुस जाऊँगा। अरे क्या, अरे 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 भागो भाई, अंदर आ जाओ। अब फटाफट से गाइस हम लोग इस वाले बिन को खोलते हैं, कहीं से आ मत जाइयो धप्पा करके। पीछे वाला गेट तो नहीं खुलता ना, शायद नहीं खुलता। हाँ अगर खुलता होता तो इसके लिए दिक्कत थी, क्योंकि मैं फिर तीन जगह से भागता, अभी मैं दो जगह से भाग पा रहा हूँ बस। तीन डस्टबिन मैंने चेक कर लिए हैं और मैं 100% श्योर हूँ वो इसी डस्टबिन में होगा, क्योंकि ये डस्टबिन सबसे ज़्यादा खतरनाक पोजीशन पे रखा है। ओह सिंपल 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 सिंपल, नहीं वो घूम के भी तो आ सकता है, अभी तो वो उधर गया, अभी तो वो उधर गया। खुल जा प्लीज़ खुल जा, मरना नहीं है मेरे को, मरना नहीं है। हो जा सीधा भागूंगा, सीधा भागूंगा बहुत तेज। ओके कुछ वाह भाई वाह, इसके लिए मैं इतना ज़्यादा पूरा, मेरे को लग रहा था इसके अंदर तो कुछ ना कुछ तो होगा, पूरा देख लिया बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ओके अभी फिलहाल वो जो बंदा है वो दूसरी जगह पर जा चुका है, फिलहाल यहाँ पर ना एक ये जगह है, यहाँ पर हम लोग अंदर चलकर देखते हैं। और यहाँ कुछ है क्या काम का, मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पड़ा होना चाहिए। ओके ये वाला बिन अभी तक मैंने नहीं चेक करा, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। वो आइयो मत प्लीज़ आइयो मत, आ गया आ गया आ गया आ गया प्लीज। ओह मुझे कुछ मिला 4859, शायद वो इस कैश रजिस्टर वाले का कोड है। ओके ओ खुल चुका है, ये इसके अंदर कुछ तो है जो कि मुझे लेना है और मैं लेके रहूंगा। आ जा आ जा आ तेरी ऐसी की तैसी, अभी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसको बिगाड़ेगा भाई बहुत कुछ बिगाड़ेगा। यहाँ से हम लोग पहले बाहर निकलते हैं, अभी ये घूम के बाहर आएगा, जब ये इस पोजिशन पर पहुंच जाएगा तब मैं अंदर चले जाऊंगा। आने दो इसे, काफी ज्यादा स्लो है जिससे हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज हो रहा है। अभी ये आ चुका है, घूम के तो नहीं आ रहा ना, वैसे आ रहा होगा ना वो घूम के, कहाँ पे है वो? ओ वो वही है, मैं कर सकता था अभी, अगर मैं फंसा तो इसमें मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। यहाँ पर कुछ कॉइन्स है जो कि मैंने उठा लिए हैं और अभी वो कोड, अच्छा वो कोड से तो गेट खुल गया ना, वो कोड से मतलब वो कैश रजिस्टर वाला ही चीज खुलना था और अभी उसका कोई काम नहीं है भाई। कसम से ये पूरा घुमा रहा है यार मेरे को एक छोटा सा काम करने के लिए। ओके ये जो कॉइन है गाइस मुझे समझ आ गया है कहाँ पर यूज होना है, ठीक है। तो ये जो कॉइन है गाइस ये यूज होना है उस जगह पे जहाँ पर प्ले ग्राउंड में एक वेंडिंग मशीन नहीं थी, उसके अंदर। फिलहाल मैं काम करता हूँ, मेरा ऑयल कहाँ गिरा है? ओ ये रहा ऑयल, वही मैं कहूँ यार ऑयल भी तो मैंने उठाया था, वो भी कहीं ना कहीं गिरा होगा। यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो अभी फिलहाल ये जो आइसक्रीम वाले अंकल है ये सामने जा चुके हैं, मैं फटाफट से जाता हूँ अपनी वैन में और इस कॉइन को वहां पर रख कर आता हूँ, क्योंकि ये भाई साहब जी एक बार में दो चीजें भी तो नहीं उठाते हैं। इस कॉइन को मैंने वहां रख दिया है, अब फटाफट से वाला जो ऑयल है उसको भी मैं उठा के ले आता हूँ अपनी वैन में रखने के लिए। लेट्स गो।
कैफेटेरिया से दो दो चीजें मैंने उठा लिया है, और इस बारी ड्यूटी शायद ब्रैड की थी ना, मैंने ड्यूटी हाँ ब्रैड की थी, मुझे अगर गलत नहीं हो तो लास्ट टाइम पॉल की थी एंड इस टाइम ब्रैड की है। भी फटाफट से हम लोग यार एक बारी मैं ड्यूटी देख लेता हूँ किसकी है। ओके गाइस अभी फिलहाल मैं आइसक्रीम अंकल को डिस्ट्रैक्ट करके आ चुका हूँ सीधा कैफेटेरिया में, और इस बार ड्यूटी ब्रैड की है। ओके तो मेरे हिसाब से ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटेल है, तभी इसमें अलग अलग नाम आ रहे हैं हर बारी बंदों के, और अभी मेरे को इतना मालूम पड़ चुका है, और मेरे हिसाब से ना गाइस मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ओ भाई मैं मरा है यार, ये बहुत गलत, नहीं नहीं मरूंगा क्यों, मरूंगा क्यों, यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ ना भाई, बेमतलब मैं नहीं मरना, मैं आराम से निकल लेता हूँ भाई अपनी ऐसी तैसी में जाए, पता नहीं उसने मेरे को देखा या नहीं, अगर हम लोग इसको एक्सेस कर पा रहे तो सीधी सी बात है नहीं देखा है। लेट्स गो, फाइनली भाई बहुत ज्यादा डर सा बैठा दे रही है गेम, और फाइनली हम लोग पहुंचने वाले प्लेग्राउंड, मुझे वो कॉइन यूज करना है कहीं ना कहीं तो ठीक है, और इस प्लेग्राउंड में मुझे क्या मिलने वाला है मुझे कोई आइडिया नहीं है, बाकी जितना भी आइटम है वो सारा मेरे साथ ही है। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये है ताकि हम लोग ना रास्ता खोल ले आगे का, और उसके बाद उस कॉइन को ना मैं इस वेंडिंग मशीन में डालकर देखूंगा कि यहां से हमें क्या मिलने वाला है। वो आ रहा है, वो अभी आ रहा है भाई साहब, कसम से अगर ये नहीं खुला ना मैं एक डेथ तो मेरा गया। नहीं 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 थोड़ा साउंड करूंगा, यू हैव यूज द ऑयल टू ग्रेस द गेट। ओके 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 ये खुल चुका है, और मैं भी फंसने वाला हूँ बहुत गंदा क्योंकि इसने बहुत तगड़ा साउंड करा है। इसको हम लोग यहाँ ड्रॉप करते हैं। ये जगह पे क्या है भाई, मुझे यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर ओ इधर गैस स्टेशन है, वो शायद से यहाँ पर वो गैस कैन का यूज होगा जो मुझे मिला था, शायद मैं 100% श्योर नहीं हूँ बट मेरे को लग रहा है शायद इधर वो गैस कैन का यूज हो सकता है। फिलहाल उस जगह पर मैंने थोड़ा सा साउंड क्रिएट करा है, तो मेरे हिसाब से वो सामने से नहीं आना चाहिए। प्लीज 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 कोई नहीं है लेट्स गो, अभी हम लोग बच गए हैं। एक तो मैं पूरे में उसकी वैन लेकर घूम रहा हूँ, उससे कोई तकलीफ नहीं हो रही भाई, वो सामने ही आ रहा है तो मैं कहाँ जाऊँ यार, आ जा घोचू, इतना स्लो चलता रहा, एक तो बेचारे पे दया आ रही है, पकड़ भी नहीं। ओ यहाँ रास्ता है तो हाली बिली मैं टेंशन ले रहा हूँ। ओके 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 इसको हम लोग पागल बना सकते हैं जितना चाहे उतना मर्जी, और वो ओके 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 इधर इधर अंकल हेलो। अच्छा चलो वो खाली पीली अपनी अलग ही नशे में है, उसको पहले थोड़ा सा देख लेता हूँ वो कहाँ पर है। जब वो मैं अपना कोइन उठा लूँ यार, जाके कोइन उठाकर इसके अंदर डालता हूँ, वो थोड़ा सा दूर है, चुपचाप से ये मेरा कोइन है, ये उठाया मैंने, इसको हम लोग वेंडिंग मशीन में डालते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। और ये तीन तीन अलग अलग है, किस में डालूँ, इसमें डाल देता हूँ, कुछ हुआ ही नहीं यार इसके अंदर। प्राइजेस मशीन, बटन नहीं, अच्छा बटन नहीं दबाता सॉरी। क्या भाई ये आ रहा भागता हुआ, उसमें से कुछ तो मिला, मेरा खिलौना मत लियो। कंग्रेचुलेशन यू हैव वॉन एक्टिव, मैं पढ़ नहीं पाया पता नहीं क्या लिखा था, मेन आइटम नहीं पढ़ पाया बाकी सब पढ़ लिया। ओके वो भटक चुका है, मैं कहाँ गया हूँ, चल कर देखते हैं मुझे वहाँ से क्या मिला है, और मिला भी है कि नहीं। ओह ये कुछ है, पेंट बॉल गन। ओह भाई वो गन शायद मैं इसके मार सकता हूँ क्या। ओके गाइस तो अभी ना बस मुझे एक बारी उन आइसक्रीम वाले अंकल जी को ढूंढना है, और उनके ऊपर मैं ये पेंट बॉल मार के ट्राई करने वाला हूँ कि आखिर उनको इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। सामने की तरफ में ये हेलो अंकल, पीछे देखो एक बारी धप्पा। अबे ये क्या है भाई, मुंह पे मारनी है क्या। ओ पड़ी पड़ी पड़ी, उसके आंख पे पड़ी है कसके। यू हिट रॉड एंड ही विल बी अनकंसीशियस फॉर 1 मिनट। ओके तो उसको 1 मिनट तक मैं इसे बेहोश कर सकता हूँ, इसके अंदर टोटल 8 एमो है। बट मुझे यहाँ पर करना क्या है, मुझे सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग सी, इधर रास्ता ही बंद है, मुझे लग रहा था कुछ बड़े सा रास्ता होगा, 1 मिनट के अंदर मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बुलडोजर सा खड़ा हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर 3 लीवर है और एक बटन है, लीवर से क्या होने वाला है 1 मिनट। तो ये लीवर भी ऐसी जगह पर दिया बंदा कुछ कर भी ना पाए। दिस बटन डज नथिंग विद द करंट पोजिशन, इससे कुछ होगा पता नहीं आ रही क्या है, कुछ हुआ क्या, आवाज तो आई थी मेरे को कुछ अजीब सी, इससे क्या होगा एक बार ट्राई करता हूँ। ओ इसने शायद से दूसरी जगह का रास्ता तोड़ा ना शायद। एक काम करता हूँ मैं अभी आगे नहीं जाऊंगा, पहले मैं जब तक वो दोबारा जिंदा नहीं हो जाता ना 1 मिनट बाद, इसको मैं दोबारा से नहीं, गन तो मेरे हाथ में ही रहने वाली है ना, टेंशन किस बात की, गन अपने हाथ में रखते हैं, जैसे जिंदा होगा वैसे इसको ढेर करेंगे। रास्ता कहाँ खुला था भाई, अच्छा ये जगह टूटी है, हम लोग यहाँ से अंदर। वो जिंदा हो गया। आ जाओ अंकल इधर इधर, मैं साउंड कर रहा हूँ, आप इधर आओ भाग कर, एक आध बॉल मेरे से और खा लो भाई। और इधर से कुछ अजीब सी मेरे को अभी आवाज़ आई, कुछ गैस जैसी, पता नहीं वो किस चीज़ की आवाज़ थी। और उसको मैं टनल में नहीं बेहोश करूँगा, तू इधर आ जा बुड्ढे, इधर आ जा, तेरे रैपटा ऐसा मारूंगा ना मैं, फटाफट से आ, मुँह पे ही शॉट मारना है इसके सीधा। ओ फायर 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 फायर, लेट्स गो। ओ पड़ी पड़ी पड़ी,
कान पे पड़ी है, इसके राइट वाले दर्द हो रहा है, लेफ्ट वाले में, सॉरी लेफ्ट वाले में पड़ी है, राइट वाले में दर्द हो रहा है। और अभी मुझे जाना कहाँ पे है भाई? हेलो, ये क्या जगह है भाई? मैं घूम फिर के वापस वहीं आ गया हूँ। यहाँ कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से होगा जो कि मुझे मिल नहीं रहा है। वैसे वो गैस कैन मुझे भरना है, मैं भूल गया था लास्ट टाइम। जब से मुझे गन मिली है मैं अलग ही मौज मस्ती में हूँ। ये जगह छुपने के लिए है। बाकी यहाँ पर एक जैकेट पड़ा है, इस जैकेट के अंदर से ऑफिस की, नहीं वो वाला जो ऑफिस है कैफेटेरिया का, उसमें तो साफ लिखा था वहाँ कार्ड लगने वाला है। ये ऑफिस की पता नहीं कौन सी है। अभी ना वैसे काफ़ी सारी अलग अलग जगह है जहाँ पर मैं गया नहीं हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा। इस गन को भी अपने साथ लेकर जा रहा है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि इस गन को मैं अपने पास कैसे रखूँ, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आएगी मुझे इसे बेहोश करना पड़ेगा। फिलहाल अंकल जल्दी से उठ जाओ, या तो मुझे और कॉइन्स मिल जाते कोई दिक्कत नहीं आती, मैं और गन्स खरीद लेता। बट अभी कॉइन भी अपने पास एक था जिससे एक ही गन आई। उठ बे, एक और खा जल्दी। ओ तेरी, बोलते ही उठ रहा है वापस, सो चुपचाप। ठीक है, अभी मैं एक मिनट के अंदर आ रहा हूँ, मैं अपनी गन यहीं पर ड्रॉप करता हूँ। ये चाबी मैंने अपनी गाड़ी में रख कर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कहाँ कहाँ आने वाली है, बट मैं आ रहा हूँ जल्दी से रख के। तो तू कोई हरकत मत करियो। वैसे नहीं, एक काम करता हूँ, मैं इस चाबी को यहीं ड्रॉप कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी एक मिनट है मेरे पास। मैं जल्दी से गन भी अपने साथ इधर ही लेकर आ जाता हूँ, ये जैसे आएगा उसको फिर बेहोश कर दूंगा भाई, क्योंकि 10-15 है वो है, फुल मौज उठाएंगे उससे। पेंट बॉल, लेट्स गो। अंकल उठना मत, भूत बना डालूंगा बेटा, 10 का KD पेन 10 हो जाएगा मेरा, पूरा कसम से बता रहा हूँ, इतना मारूंगा। फिलहाल अभी ये गन मैं यहाँ तक लेकर आ चुका हूँ, गन को हम लोग यहाँ ड्रॉप करते हैं। ये उठाए मैंने सिक्योरिटी की, इसको मुझे अपनी गाड़ी में रख कर तो आना है, बट मैं आया कहाँ से था? टनल, अच्छा टनल पे भाई कसम से ऐसी सी जगह, कन्फ्यूज हो गया मैं पूरा एकदम झटके से। इसको मुझे रखना है सबसे पहले तो यहाँ पर, और अभी गैस कैन कहाँ चला गया यार? मैंने इस बारी गैस कैन नहीं उठाया था क्या? शायद से मैंने इस बारी गैस कैन नहीं उठाया, तो मुझे अपनी गाड़ी को सबसे पहले लेकर जाना पड़ेगा वहाँ। मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मैंने इस बारी गैस कैन उठाया था या फिर नहीं उठाया था। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है, हाँ मैं गैस कैन कब उठाया, क्योंकि मैं उस जगह पर गया ही नहीं भाई। अभी मैं उस जगह पर जाऊँगा तो ही तो गैस कैन उठाऊंगा ना। फिलहाल अभी हम लोग निकलेंगे उस जगह के लिए। सबसे पहले मैं अपनी गन ले आता हूँ जहाँ पर मैंने वो ड्रॉप करी है, ये पड़ी गन, तो इसको फटाफट से उठाता है। अंकल हैंड्स अप, कहाँ पे हो? है ही नहीं वो, लेट्स गो यहाँ से निकलो, वो है ही नहीं। अभी जल्दी से हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, गैस कैन लेकर आते हैं इस जगह पे अपने, उस गैस कैन में कुछ ना भरते हैं फ्यूल को, देखते हैं वो आगे चलकर कहाँ काम आएगा। ओके गाइस लेट्स गो। अभी फिलहाल मैं अपनी वैन लेकर पहुंच चुका हूँ स्टॉल पे, और मैं 100% श्योर हूँ अंकल जी यहाँ पर भी होंगे। अपनी गन उठाता हूँ, इधर आ तेरी ऐसी। ओ गन चलाने का भी टाइम नहीं दिया इसने। वैसे यार मानना तो पड़ेगा, पूरा बदला ले लिया यार उस बंदे ने एक मिनट में मेरे से। फिलहाल मुझे सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना है, मैं अब जाके फंसा हूँ इस बार में। और टेप प्लीज, ओके टेप यहाँ पर है, फटाफट से हम लोग इस टेप को यहाँ पर लगाते हैं। ये वाला जो शेल है ये खुल चुका है, और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है फटाफट। पता नहीं वो कहाँ पर है, बट अभी मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ। ठीक है, मेरी गन, ओके मेरी गन वहाँ पड़ी है। ठीक है, तेरी बैंड बजाता हूँ। उस टाइम तो तूने मेरे को फायर नहीं करने दी ना, मुझे लग रहा। ओके ये रहा गैस कैन, ठीक है अपना काम होने वाला है बेटा। तू पिटेगा भी बहुत गंदा, थोड़ा वो समझ आ जाए मुझे यहाँ से निकलना कैसे है। एक गन उठाता हूँ, वैसे अभी ना जरूरत नहीं है यार, अपनी खाली पीली एमो खराब करने वाली बात है। नहीं जरूरत है। इसको आ जा यार, आ जा, मैं अपनी एमो ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, इसको पीछे लेकर चलता हूँ, फिर अपनी वैन में बैठ कर निकलूँगा। आ जाओ अंकल जी, फटाफट लेट्स गो, थोड़ा सा और आ जाओ बस। तो ओके गाइस, अभी मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करके पीछे ले जा चुका हूँ। फटाफट से हम लोग अपनी वैन को बंद करते हैं, और वो आसपास ही है शायद। ओके मामला एकदम शांत है। फटाफट से हम लोग अपनी वैन में बैठकर यहाँ से निकलते हैं सीधा अभी प्ले ग्राउंड के लिए, लेट्स गो। ओके गाइस फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ सीधा प्ले ग्राउंड में। अभी मेरे हिसाब से ना मुझे सबसे पहले अंकल जी को बेहोश कर देना चाहिए, फिर उसके बाद ये गैस कैन ले जाकर इसके अंदर वो फ्यूल भर के ले आना चाहिए। ठीक है, वैसे मुझे डर इस बात का लग रहा है कि जब मैं वापस आऊँगा ना तो हो सकता है वो मुझे बीच रास्ते में मिल जाए। इधर ओए ओए पागल आदमी, ले तेरी ऐसे की तरह, तू अपना यहाँ पर अपना खेल आराम से। अभी हमारे पास पूरे एक मिनट है, गन मैं यहीं ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि ये जल्दबाजी में वैन में कौन घुसेगा भाई इसको उठाने के लिए। मैं खाली पीली डर गया यार, मुझे लग रहा था कि ये जो गेट है ये वापस कैसे लॉक हो गया, और अभी मैं इसे वापस कैसे अनलॉक करूंगा। बट मुझे मालूम नहीं है, मतलब मुझे मालूम नहीं था कि ग्रीस तो अभी डाली है, तो सीधी सी बात, अब थोड़े टाइम बाद ये पत्थर का बनेगा, मतलब जाम हो जाएगा। अभी फिलहाल ग्रीस का थोड़ा इसके अंदर दम था, जिस वजह से वापस अनलॉक हो चुका है। वैसे अगर वो सामने से भी आ जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पीछे निकल सकता हूँ। यू हैव फिल्ड द पेट्रोल कैन, ओके सॉरी मैं गैस कैन बोल रहा था इतनी देर से, पबजी वाली आदत है भाई। बट कोई नहीं, अभी अपना पेट्रोल कैन भर चुका है और अंकल जी भी यहाँ पर नहीं है, लेट्स गो।
फटाफट से हम लोग इसको वैन में रखते हैं। अंकल जी पिटने का शौक है तो बाहर आ जाओ, गन मेरे हाथ में, मैं मार दूंगा, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी ये चार जगह हो गई है, अभी तक हम लोग पार्किंग में नहीं गए हैं, फटाफट से पार्किंग में हम लोग चलते हैं जल्दी से। वैसे एक बात तो मेरी वैन में बच्चा है, मतलब बच्चा है और उस वैन को मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। सीधा पुलिस स्टेशन चले जाओ ना भाई, खत्म कहानी, अपना काम खत्म, बच्चा भी सेफ, हम भी सेफ, बट कोई नहीं, फिलहाल गेम है भाई, हॉरर वो भी, तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना यार। फिलहाल इसको मैं खोलता हूँ। भाई ये जगह लग रही है भाई कुछ अजीब ना, आवाज आई मेरा ताना मत्थे पे, मैं बता रहा हूँ, निकल यहाँ से, बोल रहा हूँ मत्थे पे, फिर हरकतें इसकी शुरू हो गई। यहाँ पर काफी सारे शटर है, मुझे जो सिक्योरिटी की मिली थी ना शायद वो यहीं कहीं यूज होनी है, बट यहाँ पर किसी भी गेट में कुछ भी यूज करने का नहीं आ रहा है। ये एक, अबे ये तो वही वाला गेट है, घूम के वापस इधर आ गया मैं, और ये वाला, ये भी वैसा ही गेट होगा शायद। ओ थोड़ा सा कुछ अलग दिखा मुझे, वो रहा उसको मैंने भ्योश करा है, यहाँ पर कुछ अलग रास्ता है ऊपर। अच्छा ये पार्किंग है ना, तो वो पूरी काफ़ी सारे फ्लोर की पार्किंग हो गई है, ज़्यादा बड़ी ना हो यार, पता चला मैं पूरा ही कन्फ्यूज हो जाऊँ। यहाँ पे इस तरफ में कुछ तो है बट वहाँ पर रास्ता बंद हो रखा है। ये है क्या सिक्योरिटी गेट? नहीं यार ये भी सिक्योर, वो जो की मेरे को सिक्योरिटी की मिली थी वो यहाँ की है कहाँ? इट्स लॉक्ड, यही है भाई वो रूम जहाँ पर सिक्योरिटी की लगनी है शायद से, अभी भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ। अब बस आइसक्रीम अंकल जी सामने से भागते हुए ना आ जाए, फिलहाल कैसे आएगा भागते हुए, इसके मुंह पे मैंने ये बजा जो रखे, दोबारा उठ गया क्या? चलो कोई नहीं, सो थोड़ी देर जी ले यार अपनी तू भी जिंदगी, मेरे को दया आने लग गया अब उसके ऊपर। फिलहाल अभी यहाँ पर एक रास्ता और बनता है, यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं। ओ शिट मैंने फायर कर दिया यार उसके ऊपर गलती से, 3 ही एमओ बची है, क्या ही बोलूं मैं, सामने से भी आ रहा घोंचु गएगा। वैसे गाइस जब तक मेरे हाथ में ये गन है और इस गन के अंदर पेंट बॉल है तब तक ये अंकल जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चुपचाप सो जाए यहाँ पर, ठीक है ना। एक मिनट के लिए मैंने इसको बेहोश कर दिया है, फटाफट से मैं सिक्योरिटी की लेकर वापस ऊपर आता हूँ, बट जब तक मैं ऊपर आऊंगा तब तक मेरे हिसाब से ये वापस होश में आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत मुझे भी अपने होश में रहकर इस गेम को खेलना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर एक गेट और है, इस गेट के अंदर कोई ये वाला गेट भी लॉक है, एक सेकेंड, ये गेट कहीं ना कहीं से तो अनलॉक होगा, ठीक है। तो इस गन को मैं यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से सिक्योरिटी की उठाता हूँ, ये सिक्योरिटी की या तो इस वाले गेट में काम करेगी या फिर उस गेट में काम करेगी जहाँ पर एम्प्लॉयज ओनली वाला गेट है। नहीं यहाँ तो ये काम नहीं कर रही, शटर वाली साइड से, ओके ये वाला जो गेट है ये इस साइड से भी नहीं ओपन होने वाला। इसके लिए कोई लीवर वगैरह है क्या जहाँ से ये ओपन हो जाए? कोई ना कोई जगह तो होगी जहाँ से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। ओह शटर आया, ओह नहीं, अच्छा शटर सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं ट्राई कर सकता हूँ ओपन करने के लिए, बाकी कुछ चीज़ें तो ऐसे इसको मैं ट्राई भी नहीं कर सकता। फिलहाल इस जगह पर मैं आ चुका हूँ, यहीं पर है वो एम्प्लॉयज ओनली रूम। अभी प्लीज़ ये वाला, ओके ये गेट ओपन हो चुका है, यहाँ पर एक फ़ोन है, ये एक बटन है, अबे किसी काम का नहीं है जो कि यहाँ पर, ओ ओ ओ ये रहा ब्रैड का आईडी कार्ड जो कि मुझे चाहिए था, अभी मेरे को ये मिल चुका है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, सब कुछ हो गया भाई, लेट्स गो, बस 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 यहाँ से निकलो। बट वो उस गाड़ी का क्या यूज़ था मुझे समझ नहीं आया, वो गेट लॉक क्यों था, उसके अंदर गाड़ी क्यों थी, उसका भी कुछ ना कुछ यूज़ होगा, उसका भी कुछ ना कुछ यूज़ होगा। फिलहाल अभी हमें जल्दी से निकलना है सीधा कैफेटेरिया, और जाते जाते मैं अपनी गन उठाना नहीं भूलूंगा, ठीक है, मैं नहीं भूलूंगा। ओ मुझे अभी एक एक दिमाग में हिंट आया, क्या पता पहले पहले इसको बंद करके ना यहाँ से निकल लूँ। ओके गाइस अभी फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं कैफेटेरिया पे, मेरे पास इस टाइम पर ब्रैड का आईडी कार्ड भी है जिसके इस टाइम पर ड्यूटी लगी हुई है। मेरे हिसाब से मुझे ना सबसे पहले आइसक्रीम अंकल को बेहोश कर देना चाहिए, या फिर नहीं कर दूंगा अगर वो आया तो, क्योंकि कुछ पता नहीं है ये आईडी कार्ड लेकर मेरे को कहाँ पर जाना है, और मैं इसे पिक, ओके मैं वही कहने चाह रहा था, मैं इसे पिक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ओह गन 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 लाओ गन लाओ गन लाओ, आजा 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 तेरी ऐसी की तसी, आजा तेरी भैंस की टंग भी ऐसी तसी, निकल यहाँ से, दम मचा रखा जब से देख रहा हूँ। एक एक मिनट के लिए कुछ होता, सारी 10 की 10 गोलियाँ खा लेता 10 मिनट के लिए सोता। फिलहाल ये गेट मैंने ओपन कर चुका हूँ, और यहाँ पर ओ बेसमेंट, नीचे चलते हैं भाई, यहाँ कुछ तो है, कैफेटेरिया स्टोरेज की, कैफेटेरिया की स्टोरेज की, ये वाला गेट भी अभी ओपन हो चुका है। ये की लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, हेलो, ये 2 कोड़े की लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ भाई कसम से, और ये वाला, वाओ सारे गेट जो लॉक थे वो खुल चुके हैं, और कैफेटेरिया स्टोरेज, कैफेटेरिया की स्टोरेज कहाँ पर है? फिलहाल
मैं अपनी गन उठाना भूल गया था। ये जिंदा होगा ना तुरंत मेरे को लपेट देगा। ये सब कुछ लेकर ना मैं ऐसे निकल लेता हूँ, मेरे को लगता नहीं अभी एक मिनट हुआ होगा। अगर एक मिनट हो गया तो गड़बड़ जाएगी, मुझे सबसे पहले भी जाना पार्किंग में। ओके लेट्स गो। अभी फिलहाल हम लोग अपनी वैन लेकर वापस से यहाँ पर आ चुके हैं। ये जगह थोड़ी अच्छी है, मुझे यहाँ पर गन्स वगैरह ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। पता नहीं कैसे वो यहाँ पहुंच जाता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरा खुद इतना दिमाग खराब होता है भाई। अभी बेहोश करके आ रहा हूँ, तो यहाँ कैसे पहुंच गया। ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मुझे याद आया कि हमें बीच में एक शटर और मिला था, शायद से वहीं पर ये की लगने वाली है, क्योंकि मैंने इस वाले शटर में तो ट्राई कर लिया, ये यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है। बट इसी बीच में एक शटर और था जहाँ पर मुझे ये यूज करने का आया था अभी थोड़ी देर पहले, बट अभी नहीं आ रहा है। कोई नहीं, आया, यही है वो शायद से। ओके लग चुके की, ये भी ओपन हो चुका है। सारे गेट ओपन कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ से भाग के निकल पाऊँ। फिलहाल वो कहीं से नहीं आ रहा। इस तरफ में एक मेरे को प्लायर्स मिले हैं, बाकी तो इधर कुछ भी काम का नहीं है। और ये प्लायर्स शायद इस वाले शटर में यूज हो जाएंगे। प्लीज हो जा यार, नहीं हो रहे। इस तरफ हो जा कहीं तो हो जा। इट्स लॉक्ड भाई, कहाँ यूज होने हैं ये। तो गाइस वैसे ना अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया तो आया है, बट वो आइडिया ना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेकार है। उस चक्कर में मैं अपनी बुलेट की मीन्स अपनी जो गन है ना, इसकी एक एमओ मैं वेस्ट कर सकता हूँ। मतलब एक ही एमओ इसके अंदर लास्ट बची है। अभी ना गाइस मैंने ध्यान से देखा कि यहाँ पर सामने एक बटन है, और शायद अगर मैं उसके ऊपर शूट कर दूं तो वो बटन दब जाए और ये वाला शटर खुल जाए। ऐसा मेरे हिसाब से हो सकता है, ट्राई करते हैं भाई। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग बिना गन के ही उसे कर लेंगे। लेट्स गो भाई, ये खुल चुका है भाई। भाई कसम से भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा अजीब गेम है। इतनी देर से मैं उसमें लिख कर आ रहा है भाई, लॉक है, मैं की ढूंढने में लगा हुआ हूँ। ये प्लायर्स मिले, मुझे लगा इससे कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। ओके इट सीम्स इट हैज, वाओ भाई इसके अंदर फ्यूल डलना है। वो जो हम फ्यूल लेकर आए थे वो फ्यूल इसके अंदर डलने वाला है। मुझे गैस कैन उठाना पड़ेगा भाई। मैंने अभी अपनी गन को ड्रॉप कर दी, मतलब वो जो प्लायर्स उसे ड्रॉप करा है। साउंड यहाँ पर थोड़ा सा हुआ है, इसको मैं डाल के देखता हूँ उसमें कितना टाइम लगने वाला है। वो आ ना जाए इतनी देर में, मेरे को नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, शायद नहीं आ रहा। आ रहा, आ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खुला एरिया, खुला है, मैं नाच के खेलेंगे। अब तो वो काफ़ी छोटी जगह थी जिस वजह से मैं फंस रहा था। आ जा तो भुट्टे जल्दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गैराज खुल चुका है, पर इस कार्ट का यूज़ कहाँ करना है मुझे। फिलहाल यहाँ पर खड़े होकर मैं इसके अंदर फ्यूल डालता हूँ, मैं फंस भी सकता हूँ वैसे सही बताऊँ तो। आ गया, ये खुल जा, गेट नहीं खुल रहा ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं बच गया हूँ। इस कार्ट के ऊपर बैठ जाऊँ क्या। ओ भाई इससे सच्ची में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं से भी आ जा रहा है यार। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने आके ये प्लायर्स तो यहाँ से उठा लिया है, फटाफट से मैं भी इस कार्ट के अंदर बैठता हूँ। और ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है कोई नोबिता बैठा हुआ है भाई मेरे आगे। कोई नोबिता नहीं भाई, ये ही नोबिता। अभी मुझे इस कार्ट को ना लेकर यहाँ से ऊपर जाना है, और मुझे ये हिंट मिला है। ओ भाई इसको तोड़ना ही था वैसे, चलो लेट्स गो। इसको मैंने अभी तोड़ दिया यहाँ पर, और अभी मैं इसका क्या करूँ, अचार डालूँ। मुझे शायद इसके अंदर जाना होगा एक मिनट, बट मैं कार्ट से एग्जिट कैसे करूँगा। ओ ओ ओ भाई 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 भाई, ये कार्ट में फ्यूल तो नहीं खत्म हो जाएगा ना, पता चला मैं इसे इतना ज़्यादा चला रहा हूँ इसका फ्यूल ही खत्म हो जाए। फिलहाल इससे ना इसको इधर से भी तोड़ देते हैं ना। ओके दोनों साइड से टूट चुकी है, मैं इस कार्ट से ना भाई पहले उतर जाता हूँ। ओ भाई 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 लेट्स गो, अभी हम लोग इसके अंदर चले। ये सही से टूटी है कि नहीं टूटी, और यहाँ पर यह शटर मुझे खोल। ओ भाई ये अंदर तो नहीं आ जाएगा ना भाई, कसम से। वापस बंद हो जा अंदर। ओ उसका ध्यान नहीं है, लेट्स गो। ये जगह थोड़ी बहुत टूटी पड़ी है यहाँ पर से ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा ही समझ लो। और यहाँ पर कुछ, ओ भाई इसको तोड़ के मैं भागूंगा कहाँ अगर वो यहाँ बैठ, वैसे भी वो बैठ जाता है। वो आ चुका है। मैं अगर वो इधर से भाई नहीं, कुछ छुपने के लिए भाई, छुप गेट खोल भाई। यहाँ मैं छुप भी नहीं सकता, वो नीचे मत आइयो प्लीज, नीचे मत आइयो यार, बहुत ज़्यादा एक मंजिल गिर जाएगा, बहुत चोट लगेगी, सही बता रहा हूँ। बच गया मैं शायद। ओके बच गया भाई, कसम से बहुत ही गलत सीन था यहाँ पर। तो नीचे आएगा तो नहीं ना भाई, तू बता दे पहले, धप्पा मत करियो ये वाला शटर को। साउंड भी क्रिएट कर दिया मैंने इधर इतना गलत। यहाँ पर एक अच्छा, इसकी डायरी है ये, मैं नहीं पढ़ रहा भाई, वो कूद जाएगा मेरे ऊपर, पढ़ूंगा अभी, रुक जाओ। लाल इसके अंदर कुछ चीज़ है क्या, मुझे खोला ठीक है, केज की। ओके तो शायद से जिस केज के अंदर वो बच्चा बंद है ये उसी की चाबी है शायद, मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, बट हाँ मेरे को लग रहा है भाई वो बाहर ही घूम रहा है, पता है शटर के बाहर वो घूम रहा है। ये वही वाले शटर है जो उस साइड से नहीं खुल रहे थे। ओके तो यहाँ पर इसकी पूरी डायरी है ये, जहाँ पर इसकी पूरी कहानी लिखी हुई है।
ओके मेरे पास ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो बताओ भाई, भाड़ में जा वरना मैं यहाँ से निकलता हूँ। शायद से मुझे ये सीढ़ी का मुझे ये सीढ़ी का यूज करना था ऊपर जाने के लिए। यार पता चला मैं यहाँ से बाहर निकलूँ और बाहर खड़ा होकर सीधा मेरे को धप्पा ही कर डाले। अरे चल भाई क्या दिक्कत हो गई। ओके चल गया लेट्स गो। मुझे उस वाली साइड से ही बाहर निकलना चाहिए, मैं इस गाड़ी के भरोसे नहीं जाने वाला हूँ। मेरे हिसाब से ये जो कार्ट है ना, बस ये इसको तोड़ने के लिए आई थी। अभी फटाफट से ना हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं जहाँ पर अपनी वैन है। इस केज में मुझे ये की लगाकर देखनी है कि वो बच्चा यहाँ से बाहर निकल पा रहा है या फिर नहीं निकल पा रहा। वैसे जब उसने उसे उसमें बंद करा था तो यही लिख रहा था कि उसने केज में बंद करा है और केज की मिला है, तो मेरे हिसाब से वही अनलॉक होना चाहिए। आ जा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये यहाँ से आएगा, मैं घूम के उस साइड से चले जाऊंगा। इसको पहले आ जान देते हैं। आ जा ब्रो, फटाफट लेट्स गो, फटाफट कम ऑन। आने दो इसको भी। अभी ये यहाँ पर मुझे लग रहा था भाई ये थोड़ा घुस जाता छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी जगह पर भी। अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये वाला गेट से क्यों जाओ भाई? शॉर्टकट, अच्छा शॉर्टकट वही था, सॉरी मैं भी उल्टा आ चुका हूँ। अब बस वो वापस यहाँ से ना आ जाए यार, पूरा राउंड मार के आई हो यार चौकीदार आदमी। ओके सही गया। अभी हम लोग यहाँ से नीचे निकल सकते हैं और कोई तो एग्जिट नहीं है ना। ठीक है गाइस, अभी मेरे हिसाब से सब कुछ ओके है, बस मुझे एक बारी जा करना उस केज में ये लगा कर देखना है, तसल्ली हो जाएगी भाई जो हमने इतना सब कुछ करा है ये काम कर रहा है या फिर नहीं। बच्चे बाहर निकल जाए यार, वो लगा के लग क्यों नहीं रही। ओके ट्रैवल टू नहीं, ओके पहले हमें इसे, ओ शायद यही लगनी है, पहले हमें इसे यहाँ पर ट्रैवल करके ले जाना पड़ेगा। पहुँचा जल्दी पहुँचा भाई, अभी जल्दी से हम लोग इसको लगा कर देखते हैं। ओह लेट्स गो, खुल चुकी है ये। तो मोटू भाई एक घंटे तू वहां पर बैठा हुआ था हड्डी ना सीधी होने की। अब अबे इतना शैतान बच्चा था ये, चलती वैन से कूद गया। और क्या बोलूं मैं इसको यार, उस टाइम तो उससे एक रुपए का काम नहीं हो रही है देखो भाई। चलो यार कोई नहीं, जो भी है बहुत बढ़िया। ये क्या, उसका आइसक्रीम बनाने वाला चुरा के ले आया चोर कहीं का। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 600,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।